तो मैं आप सब लोगों के लिए तैयार हुई, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, गुड मॉर्निंग यू गाइस, गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जानू, आई एम स्लीपी। मैं ना एक बार सो के उठ गई थी, फिर मुझे बहुत नींद आ रही थी, फिर मैं सोचा 5 मिनट में उठ जाती हूँ, फिर मैं 1 घंटे के लिए वापस सो गई। 5 मिनट तो हमेशा हर सुबह चल रहा होता है। चलो उठते हैं। अच्छा मैं तो स्टार्ट ही नहीं है। नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम गोपाल एंड आई एम ब्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव ब्लॉगिंग। तो आज सुबह मैंने उठने के बाद मस्त चाय वाय नाश्ता वाश्ता कर लिया, पर मैंने वो ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि फिर हर ब्लॉग में चाय चाय होता है। तो हाँ, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मुझे थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे काम है, तो मैं आप लोगों को मेरे साथ लेके चलने वाली हूँ कि हमें क्या क्या करना है। आज हमें एक वीडियो भी फिल्म करनी है और हमें ना, ये आप देख रहे हो, एक इंसान को जो 4-4 इंसानों के बराबर की आईब्रोज आई हुई है, इन्हें हमें छटवाने जाना है। और मैंने ना कल एक्चुअली जानवी को अपने बालों पे कुछ लगाते हुए देख लिया था, जिससे उसके बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मेरा भी मन कर रहा है वो लगाने का। एंड गाइस डोंट वरी, ना मामा अर्थ का ना वाओ का मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा। सो इस आई आल्सो गोना अप्लाई सम हेयर मास्क और मैं पहली बार हेयर मास्क लगाने जा रही हूँ। एंड यस आई एम एक्साइटेड क्योंकि कल जानवी के बाल क्या सही लग रहे थे, मैंने उसको बताया नहीं, पर शिट ये होता है जब आपने जिंदगी में कभी कुछ लगाया ना। तो कर लेते हैं हेयर वॉश और मैं बिल्कुल ऐसे नहा धो के गुड गर्ल बन के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? तब तक लाइक कर दो, बाय। देखो आज मुझे पूरी ब्यूटी ब्लॉगर वाली वाइब आ रही है, तो पूरी वाइब को हम कंप्लीट करने के लिए, ये भी मैं कोई वो नहीं कर रही हूँ, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर पूरे धरती पे ना मुझे एक ही मास्क है जो जिससे मेरी स्किन जलती नहीं है। और बाहर मेरी मम्मी मेरी नानी से बहुत तेज तेज बात कर रही है, पता नहीं मेरी मम्मी नॉर्मली ना ऐसे बात करती है जैसे हम कर रहे हैं। मेरी मम्मी फोन पर हाँ बोलो, हेलो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बात करती है। और अभी अगर मम्मी ये देखेंगी तो मुझे डांट लगाएगी। आज ना मैं बहुत ही ज्यादा ही कुछ सुंदर बन के निकल पाऊंगी, आप लोग देख नहीं पाओगे मेरी इतनी ज्यादा सुंदरता। हेलो गाइस, तो मैंने ले लिया है शार और मैं बन गई एकदम गुड गर्ल। और क्या मतलब, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना जाने के बाद, क्योंकि मैं एकदम ऐसी हूँ ना, ढंग से अच्छा वाला शार लिया है, पता नहीं आप समझ पा रहे हो ना। और मैंने ना ये बहुत ही मस्त हुडी पहन ली है, दो हुडी वाला सीजन तो नहीं है, पर मुझे ना हुडीज बहुत ज्यादा पसंद है, दिस इज वेरी क्यूट। ये मैंने अभी अभी नई नई खरीदी है, अभी हॉल आएगा तो आप देख लेना। चलते हैं बनाते हैं वीडियो, क्योंकि हमने ना 5 मिनट क्राफ्ट के डम हैक्स टेस्ट किए हैं। हेलो गाइस, वी हैव मेड टू बैंक। ओ हेलो 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 गाइस, सो आई जस्ट गॉट डन विद सारे बैंक के काम। और अब एक्चुअली ना बैंक में ना मुझे कुछ KYC वगैरह करवाना था, जिसमें ना मुझे मेरी जॉब क्या है वो चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, विच वॉज एक्चुअली थोड़ा सा वियर्ड, तो बट ठीक है, हो गया। हेलो गाइज, हम बैठे हमारी बालकनी में, बहुत ही मस्त बारिश हो रही है। एंड आई ऑर्डर्ड दिस, आप देख रहे हो ये टी शर्ट, आप देख रहे हो। एंड मम्मी को पता नहीं था, मम्मी को पता नहीं, मेरी मम्मी पढ़ रही थी, पढ़ा मम्मी इज लाइक जानवी ना घर पे ऐसे बोलती रहती थी ये वर्ड, तो मम्मी ना, हमने मम्मी को वो सिखाया था गूगल ओपन करके, मम्मी ऑडियो बोलती थी और गूगल व्हाट इज दिस ऐसे करके मम्मी सब पूछ लेती थी। एक दिन मम्मी गूगल पूछ के गूगल हिसाब किताब कर रही थी मैं और मम्मा, हम दोनों गुड गर्ल्स है ना मम्मा। हेलो गाइस, तो मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग कर रही हूँ, अभी रात हो गया, बाहर वो फुटफुट चुट 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 की वो इंसेक्ट्स की आवाज सुन पा रहे होंगे, क्या झिंगूर की आवाज सुन पा रहे होगे, तो ठीक है तू बन जा मेरा गूगल अंकल। आपको बता रही थी कि मैं एक्चुअली थ्रेडिंग वगैरह करवाने जाने वाली थी, पर क्योंकि मम्मी को घर पे कुछ काम आ गया था, मतलब हमारा जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो मैं घर पे आ गई थी, मैं नहीं गई थी, मैंने सिर्फ बैंक का काम किया है, बाकी हम देखते हैं। इट्स लाइक आई जस्ट डोंट नो, आई जस्ट फील वियर्ड। पर अभी मुझे कॉफी पीने का बहुत मन कर रहा है, मैंने बहुत दिनों से अच्छी कॉफी नहीं पी है, मेरा बहुत मन है कि मैं ना कॉफी मशीन ऑर्डर कर लूँ। अगर आप में से किसी के पास कॉफी मशीन है और अगर आप यूज करते हो, तो मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे कहीं पे रिकमेंड करो कि कौन सी कॉफी मशीन अच्छी आती है, क्या है। मैंने मतलब से रिसर्च वगैरह तो की, पर मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, तो अभी तो हम वही हाथ वाली वैसी वाली अच्छी वाली कॉफी बना लेते हैं।
गुड नाइट। मम्मी कल आप थायराइड के टेस्ट के लिए चलो। मैं तो गुल्लू गुल्लू सुंदर दिखती हूँ। थायराइड हो गया, गुल्लू गुल्लू सुंदर दिखती हूँ बोल रहे हो। थायराइड हो गया, गुल्लू गुल्लू सुंदर दिखती हूँ। कल सुबह सुबह मम्मी का खाली प्लेट प्लेट खाली प्लेट खाली पेट फालतू की न्यूज मैं ना फालतू की न्यूज पढ़ लेती हूँ फिर आई स्टार्ट फीलिंग बैड। तो मैं न्यूज़ देखती थी न्यूज़ वो एयरप्लेन क्रैश हो गया था ना। अच्छा मुझे ऐसा लगता है मतलब मुझे ऐसा होता है मैं न्यूज़ देख लेती हूँ फालतू की तो मुझे बहुत दुख हो जाता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरे को कॉफी पिला आपकी कैसी है? नहीं मम्मी नहीं मैं आपको कॉफी पिला के गालियाँ नहीं सुनना चाहती हूँ। कड़वी होगी? हाँ पियोगी? सो जाऊँ। बहुत हार्ड कॉफी पीते हो, गलत बात है। पहले भगवान को प्यार होगी फिर भगवान भी ऐसे ही मुंह बनेंगे। हेलो गाइज, ओ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह मुझे मम्मा को थायराइड टेस्ट के लिए लेके जाना था पर वो नहीं हो पाया। मैं तो गुड गर्ल की तरह सुबह उठ गई थी 6 बजे और मैंने मम्मा को बोला भी था मम्मा चलते हैं, पर मम्मी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो मम्मी अभी भी वहीं पे गई हुई है। तो अभी क्योंकि मम्मा वहाँ पे गई हुई तो ऑब्वियसली मेरी लगी हुई है ब्रेकफास्ट ड्यूटी, क्योंकि जान भी तो है बैड गर्ल, वो अभी तक सो रही है। 9:30 बज गई है, उठ के अभी उठी है और उठ के अपना फोन ही स्क्रॉल कर रही है। तो जब तक बंदा बेड तक ना उठे उसे उठना नहीं बोलते, ऐसे फोन उठता है। चलते हैं उत्तपम बनाते हैं। बताएगी मम्मा आएगी ना तो मम्मा को हम मस्त उत्तपम और चाय गरम गरम सजा के देंगे। गाइज मैंने इसके अंदर अभी अनियंस चॉप करके डाले हैं। वैसे इतने बड़े बड़े अनियंस नहीं पड़ते हैं, छोटे छोटे वो जो क्या बोलते हैं चॉपर में चॉपर थे, पर क्योंकि हमारा चॉपर खराब हो गया तो मैंने ऐसे ऐसे काट के डाले हैं, पर चॉपर वाले अनियंस इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे फ़ोन कर देना। सो गाइज मैं ब्रेकफास्ट करते आ गई हूँ मेरी ड्राइवर वाली ड्यूटी पे पापा के साथ, तो पापा भी बस वही अपने थोड़े बहुत काम करवाने के लिए गए हुए हैं। सो यस आई एम जस्ट गोना सिट हियर एंड ऑब्वियसली स्क्रॉल टू माय आ जाओ स्क्रॉल। पापा कुछ बोलना चाह रहे हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है चले गए। तो वही मतलब आई एम जस्ट गोना स्क्रॉल टू माय इंस्टाग्राम एंड वो सब और बस पापा का काम कर। एक्चुअली मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं ना मेरा डे प्लान करती हूँ अकॉर्डिंगली कि अच्छा ये फिल्म करना ये करना, और सुबह उठते हैं मुझे नए नए काम दे दिए जाते हैं कि आज तुम्हें ड्राइवर वाली ड्यूटी पर लगना है, आज तुम्हें बड़ी बहन होने का रिश्ता निभाना है। तो मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाती हूँ और भी 2-4 छोटू पोटू छुट्टक पुट्टक काम मुझे मिलते रहते हैं। हेलो गाइज आई जस्ट गॉट बैक होम एंड आई टुक शावर और जानवी अंदर कुछ प्रेजेंटेशन करी थी जो लास्ट टाइम हम फेल हो गए थे वो हम आज कंप्लीट करते हैं। इसे अभी अभी रियलाइजेशन हुआ है कि इसके टीचर्स इसकी शक्ल पहचानते हैं एंड शी सो सैड अबाउट इट। नाम लिया लाइक पूरे क्लास में से आई वाज वन ऑफ देम कि मैं सिर्फ जानती हूं जनरली शिट इस सब्जेक्ट में तो मैं अच्छी भी नहीं हूं, ये लोग मुझे क्यों जानते हैं। इसको कोई YouTube की वजह से जानते हैं, इसके क्लास की क्लास में की हुई यू नो शैतानी और बदतमीजी और क्या बोलते हैं बदतमीज तो है ही नहीं। नहीं ये पेपर है ना मैं बहुत जल्दी लिख के आ गई थी तो मैम क्योंकि इसे कुछ आता ही नहीं होगा। नहीं वो पेपर मेरे को आता था तभी मैंने अच्छा स्कोर किया था एक ही बार। एक ही बार देख रहा हूं अपनी जिंदगी में एक ही बार अच्छा स्कोर किया। मैम की और मेरी सरनेम सेम की रहा तो वहां पे काफी कुछ बैठ जाता। अगर वो वाली मैम ये वीडियो को देख रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हेलो मम्मा। हेलो जानवी। हाँ जानवी कितना फोन चलाएगी? टेंट लगा के बैठी थी, मैम ने बुला लिया तो अच्छा हुआ टेंट लगा के बैठी। मेरे को बोले नहीं तो मैडम मेरी पहचान नहीं पाती। बिना मेकअप के मैम इसको नहीं पहचान पाती ऐसा खुद का ही कहना है। फॉलोइंग खेल सकती है ढक्कन और डब्बे अलग है। मैच द फॉलोइंग खेलने के लिए ढक्कन डब्बे अलग दिए गए हैं। ब्लॉक कर रहे हो क्या? हाँ मैं ब्लॉक सच के बैठा ब्लॉक कर रहे हो तभी इतना सच के क्यों? जब मैं ब्लॉक नहीं करती हूँ तब मैं कैसी लगती हूँ? ये वाली टी शर्ट और इससे छोटा कच्चा। चलो लेट्स गो। So, let's go, 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 let's go. क्योंकि आज सब मुझसे पूछ रहे कि मैं इतनी सुंदर बनके क्यों आई हूँ, क्योंकि आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए। देखो मैं आप सब लोगों के लिए तैयार हुई तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ
ये वाली सीट पे, क्योंकि मुझे जैसे कोई मिलता है जो ड्राइव कर लेता है तो मैं तुरंत सीट चेंज कर लेती हूँ। तो मैं और ये मेरा फ्रेंड पारी, हम जा रहे हैं जानवी का कैमरा खरीदने के लिए। तो जानवी अपने आप को बर्थडे पे कैमरा गिफ्ट कर रही है, उसने एक कैमरा देख रखा है, वो सूरत में कहीं मिल नहीं रहा है, और तो और देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा तो और क्या है, क्या अच्छे अच्छे ऑप्शन है। तो हमारे कैमरा वाले भैया है पक्के वाले, हम उनके पास जा रहे हैं। सो लेट्स देख लेते हैं। हेलो गाइस, तो हमने स्टोर पे तो देख लिया है कैमरा। हेलो, हाँ जानू गाइस, गाड़ी में बैठ के डिस्कस कर लिया गया है, और फोन पे पूछ पूछ के लोगों से भाव भी पूछने गए हैं, किसकी डिलीवरी कब आएगी ये भी पूछ लिया गया। अब हम जा रहे हैं वही जहाँ हम पहली बार गए थे, मतलब हम वही नीचे बैठ के देख रहे थे। तो जानवी का हम फाइनली नया कैमरा ले रहे हैं, कौन सा कैमरा है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जानवी बता रही है, हमें दो दिन में ला के दे देंगे। सो यस, आपको वो सब जानवी के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसको मुझे पता है, मेरी चीज़ नहीं ना, फिर भी बड़ी खुशी होती है नई चीज़ें खरीदने में। फिर भले मैं छोटा सा कप क्यों ना खरीद रही हूँ, वो भी जानवी ने ना कैमरे में, जानवी ने कैमरे में नहीं, सब्जी में कैमरा गिरा दिया था, और अब कैमरा के ऊपर ना हल्दी लग गई है मेरे। अब मेरे कैमरे की शादी करवानी पड़ेगी। अरे भाई, बिलीव मी गाइस, मेरे ना कैमरे के लेंस में से ना पनीर की सब्जी की खुशबू आ रही है। अरे भाई 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 भाई, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई एम गोना मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। टाटा।